ज्यादातर के बिजनेसमैनों की एक हालत में बता रहा हूँ, घर पे आके रोज बोलते हैं कि बिजनेस में अभी पहले जैसी मजा नहीं। पांच साल पिछले से ये जो बात चलती रहती है, तो जो घर के बच्चे हैं वो ये सब सुनते हैं कि बिजनेस में अभी पहले जैसी मजा नहीं रही, बिजनेस में पहले जैसी मजा नहीं रही। तो धीरे 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 उनके दिमाग में आ जाते हैं कि बिजनेस में क्या करना है। फिर हम उनको फॉरेन भेजते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो फॉरेन पढ़ के आते हैं, वहां पे कुछ और भाषा सीखते हैं। अगर अपने धंधे में आ भी गए तो अपनी भाषा अलग है, जितने रुपये की बात करते हैं वो अलग है, जिस तरह के आदमी से काम करते हैं अलग है। फिर वो बोलते हैं इसमें जमता नहीं है, अगर इससे अच्छा मैं वहां पर नौकरी करता तो क्या था। देखिए मैंने अमेरिका में MBA खत्म किया, IBM में मुझे जॉब मिली, $1,00,000 का पगार था। मैं वो छोड़ के 3 साल से आया हूँ मेरे बिजनेस में, मैंने किया क्या यहाँ, और वहां पे जो मेरे साथ में थे देखो वो कहाँ पहुंच गए। जब एक बच्चे एक स्टूडेंट ने इस तरह से खड़े होकर सवाल पूछा, तो हमारे एक बिजनेस फैमिली है चंडीगढ़ फैमिली, ये फैमिली में 160 फैमिली मेंबर्स है, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर लास्ट 4 जनरेशंस, दे आर हैविंग 78 प्लांट्स ऑपरेटिंग इन 50 डिफरेंट कंट्रीज। उनके जो एक मेंबर है वो बोलते हैं कि भाई तेरा ये सवाल सुन के मुझे ताजुब ये होता है कि हमारे फैमिली में हम लोग IBM में नौकरी करने की बात नहीं करते, हम IBM कंपनी बनाने की बात। नाउ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एज अ थ्रिल समवेयर आवर नेक्स्ट जनरेशन इज मिसिंग आउट बिकॉज ऑफ टू अटैक्स। वन इज अटैक फ्रॉम आवर इंटरनल थिंग, जो हमने 20 साल पहले मलाई खाई थी वो मलाई अभी नहीं रही। हम लोग शेयर बाजार में काम करते थे, 2% दलाली में काम करते थे, वो नहीं 1% हो गए, 0.5%, 1.25%, उसके भी कम हो गई। तो वो देख के हम लोगों को लगता है कि मार्जिन जो है हमारा नीचे 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 जाते जा रहा, कॉम्पिटिशन बढ़ती जा रही है और कॉस्ट हमारी और बढ़ती जा रही है। तो जो इतना गैप था वो धीरे धीरे ये मार्जिन का ट्रैक नीचे आता है, कॉस्ट का ट्रैक ऊपर जाता है, धीरे 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 हम पीछे जा रहे हैं। ये फैमिली बिजनेस की हर जगह पर हाल, लोग मिलते नहीं। एक जमाने में लॉयल्टी रहती थी, एक आदमी ने हमारे साथ में काम चालू किया, हमारे साथ में रिटायर हुआ। आज के जमाने में लॉयल्टी नहीं है, लोगों को बहुत पगार चाहिए। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारा अकाउंटेंट था, 15,000 रुपया पगार था, तब से 15 साल से काम कर रहा था। अभी वो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे ढूंढने चले तो पता चला कि 50,000 के नीचे तो कोई आता ही नहीं, और अगर उसको 50 भी देते हैं तो वो जो हमारा 15 वाला था उसको जितना आता था उससे आता भी नहीं आता। ये हो गई हमारी मैन पावर की क्राइसिस, एक बार जो है मार्जिन की क्राइसिस, और फिर जब मैं अभी यहाँ आया, जितने भी बिजनेसमैन को मिले बोलना चाहूँ कि हमारे यहाँ तो पावर का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ तो पक्षी का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, ये सब चीज होती है। लेकिन हम लोग तो फैमिली बिजनेस में एक चीज सीखे, हमारा प्रोफेसर बोलते हैं रोने का नहीं, जहां पे है वहां पे धंधा करना ही हमारा काम। और इंडिया में कई बिजनेस में बोलते थे देखिए चाइना में ये होता है वो होता है वो होता है, तो हम लोग बोलते जाओ ना चाइना, आपको कौन रोकता है, आपको रहना यहाँ पे है, और यहाँ पे खाली बोलते बैठोगे तो क्या होगा। जो है वो है, उसमें कैसे धंधा करना ये हमारा काम है, नया नहीं है। हमारे फोर फादर्स ने जो काम किया ना, उन्होंने भी ऐसी हालत में काम किया, उन्होंने तो हमसे भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में काम किया, रहने की जगह नहीं थी, खाने का ठिकाना नहीं था, फिर भी मेहनत करके काम किया, उन्होंने धंधा खड़ा किया, वहां पे आज हम खड़े हैं। और 2 घंटा पावर चला गया तो हम कंप्लीट कर। तो द बेसिक थिंग इज दैट फैमिली बिजनेस इज ऑल अक्रॉस एंड गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन, उसकी हर लोग बात करते हैं आजकल, और हर लोग उनको गाली देते हैं, दुनिया गाली देती है, फैमिली बिजनेस वाले खुद भी अपने आप को गाली देते हैं। बिजनेस वाले समझते हैं हमको चोरी करते हैं, बिजनेस वाले समझते हैं हमको प्रोफेशनल नहीं है, हमको HR मैनेजमेंट चाहिए। जो भी एक नई नई कॉलेज के मैनेजमेंट के टर्म आते हैं, इतने हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमको भी ये सब हमारे धंधे में करना है। बहुत ज्यादा पगार देके मैनेजर को रख लिया, 3 महीने में निकालना पड़ा,
हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, यानी ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी कमी है, ये फैमिली बिजनेस वाले खुद सोच रहे हैं और उनको मदद कर रही है दुनिया। दुनिया बोलती है कि फैमिली बिजनेस वाले प्रोफेशनल नहीं हो सकते, उनकी प्रोफेशनल की व्याख्या अलग है, और जो व्याख्या वो बनाते हैं वही हमको सुननी पड़ती है। फैमिली बिजनेस वाले मैनिपुलेशन करते हैं, फैमिली बिजनेस वाले सब अपने घर के लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, फैमिली बिजनेस वाले के अंदर मल्टीपल बुक्स होती है, इतनी सारी चीज दुनिया भर से बोली जाती है। फैमिली बिजनेस में इसके लिए हमारा ये मच टॉक्ड अबाउट एंड मोस्ट बैश्ड अराउंड। फैमिली बिजनेस में भी मैंने पाए हैं अच्छी चीज, आपको बहुत कम जगह पर सुना है, उनमें क्या कमी है वो पता चलेगा। देखिए उसमें से एक बहुत फेमस कमी है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करती है, ये प्रोफेसर वार्ड है, यूएस में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में भी कई बार आके लेक्चर देते हैं, और उनका ये कहना है कि शॉर्ट स्लीव्स टू शॉर्ट स्लीव्स, जब एक जनरेशन ने चालू किया तो शॉर्ट स्लीव था, फिर बिजनेस बड़ा किया, सेकंड जनरेशन ने और बढ़ाया, थर्ड जनरेशन ने बिजनेस बंद कर दिया, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट, सेकंड जनरेशन कंसोलिडेट, थर्ड जनरेशन क्लोजेस डाउन द बिजनेस। ये सेमिनार आप कोई भी जगह पे फैमिली बिजनेस में बात करोगे आपको ये चीज पहले बताई जाएगी, कोई रिपोर्टर आके आपको पूछता है मेरे यहाँ रिपोर्टर आते तो उनको भी ये सब मालूम है, और मुझे यही चीज लाके बताना चालू करते हैं। मैं बोलता हूँ ये lie is a damn lie। The reason is अगर हर थर्ड जनरेशन में बिजनेस खत्म हो जाते तो आज कोई जनरेशन ही नहीं होता आपका हमारा, हमको सब पहले जनरेशन थे क्या, हम सब सेकंड जनरेशन थे क्या, पूरी अपनी इकोनॉमी सेकंड जनरेशन है क्या? इट इज नॉट ट्रू, बट माई फादर ग्रेट फादर वॉज डूइंग बिजनेस ऑफ कोल, और अभी गैस का जमाना आ गया तो मैंने गैस का धंधा चालू किया, तो उनके हिसाब से तो कोल का धंधा हमने बंद कर दिया, क्योंकि गैस का अच्छा धंधा हाथ में आया उसके लिए बंद किया। तो ये जो बंद करके दूसरे कहां ले जाते हैं वो नहीं देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट, सेकंड जनरेशन क्लोज कंसोलिडेट एंड थर्ड क्लोजेस डाउन, जबकि दूसरी कंपनी की हालत देखिए। एक बुक लिखी 1982 में इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस, बहुत फेमस बुक थी, मैनेजमेंट में हर कोई मैनेजमेंट कॉलेज हो हर स्टूडेंट को ये बुक तो देखनी थी। इन्होंने एक मैजिक निकाल दिया कि 62 कंपनीज है पूरे वर्ल्ड में मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज है और उनका राज उन्होंने पकड़ लिया। 1992 में आधा से ज्यादा कंपनियों का ठिकाना नहीं था। वन थर्ड ऑफ अ फॉर्च्यून लिस्ट, फॉर्च्यून एक मैगजीन है, वो लिस्ट बनाते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट 500 वाली, तो उसको फॉर्च्यून 500 लिस्ट बोलते हैं। 1970 का जो लिस्ट था उसका वन थर्ड वैनिश्ड बाय 1983। ये स्टैटिस्टिक्स हमको कोई नहीं सिखाता। एवरेज कॉर्पोरेट लाइफ इन जापान एंड यूरोप इज 12.5 years, डिक्लाइनिंग लाइफ हर जगह पर, बल्कि उनके सामने देखे हैं फैमिली बिजनेस इज बेटर देन नॉन फैमिली बिजनेस। नाउ वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाई डू फैमिली बिजनेसेस डू बेटर, और अभी जब हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में तो खाली फैमिली बिजनेस के लिए ही बेटर है। हमारे आपके यहाँ पे भी यूनिलीवर कंपनी होती है, हमारे यहाँ पे भी यूनिलीवर है, हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम है उसका, ये डिटर्जेंट बनाते हैं यहाँ पे, तो कोई बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग नहीं है, तो अगर है तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं थोड़ा, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा प्रो SME हूँ और थोड़ा एंटी कॉर्पोरेट। तो ये तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले आते हैं, उनके पूरे वेंडर बेस फैमिली बिजनेस होते हैं, उनकी कॉस्टिंग निकाला और कॉस्टिंग में से स्क्वीज करके 3-4 टके का मार्जिन अलग करता है। उनके जो पूरे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सब फैमिली बिजनेस होते हैं, पैसा पहले लेते हैं, 3-4 टका डिस्काउंट देते हैं और बाकी सब माल आप बेचते हैं। उनके जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं सब फैमिली बिजनेस होते हैं, ऑल दे आर सराउंडेड बाय फैमिली बिजनेस। इनको 4% दिया, इनको 4% दिया, कुल 24% रखा। ये इस तरह से करते गए पर आज तक बहुत अच्छा था। अभी इंडिया में एक कंपनी बड़ी बिग बजरा जो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज रिटेल मल्टीपल
जबकि मैं आपको बताऊंगा कि रियल मैनेजमेंट इज ऑलरेडी देयर इन फैमिली बिजनेसेस. ऑल दैट वी नीड टू नो इज रिकॉग्नाइज अवर स्ट्रेंथ एंड टेक ऑन द वर्ल्ड. आज की तारीख में हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा 5 मिनट का एजेंडा है. पहला एजेंडा है, देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड. जो धंधे हम लोगों ने 20 साल पहले किया और जो धंधा आज हो रहा है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है. जो धंधा हम लोगों ने किया, मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं मालूम है, जनरल में जाता हूँ तो जान लेता हूँ, लेकिन अभी तो मैं जल्दी जल्दी मैं, लेकिन मैं आपको हिंदुस्तान के लोगों की बताऊँ, 1980 तक बिजनेस का कोई ज़्यादा ठिकाना नहीं था. कुछ 15-20 कंपनियाँ थी, बड़ी कंपनियाँ थी, बाकी सब लोग उनकी सेवा पर. 1980 से 1995 तक सब बिजनेस चल रहा था. लेकिन उस समय ना ऐसा था कि एक शहर से दूसरे शहर फोन करना है तो ट्रंक बुकिंग करना पड़ता है. ट्रंक बुकिंग किया, या तो उसके बाद में आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, लग गया तो आधे घंटे में लग गया, नहीं तो 8 घंटे तक नहीं लगे. फॉरेन जाना अलाउ नहीं था. $1 in 2 years $500 मिल सकता है. कहीं पे चिट्ठी भेजनी है, जर्मनी में बांध देना है, एक चिट्ठी भेजो, इंस्टेड ऑफ रेड कलर कहना चाहिए ग्रीन कलर. चिट्ठी गई, आते आते 3 हफ्ता हो गया, उन्होंने बोला नहीं हमको तो रेड चाहिए, तो उसके बाद में आप काम चालू करो. देयर वाज नो कम्युनिकेशन, देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट, देयर वाज नो अदर फैसिलिटी, तो फिर धंधा कैसे करते थे हम लोग? अपनी गली में धंधा करते. वी स्टार्टेड डूइंग बिजनेस लोकली. जो शहर में थे, हर शहर में मार्केट बन गई अपने अपने, और वो मार्केट में बैठ के काम करते हैं और वहां पे धंधा होता है. जब आप एक शहर में धंधा करते हो तो बिजनेस इज स्मॉल. व्हेन बिजनेस इज स्मॉल और मैं पूरा दिन वहां पे बैठा हूं तो मैं करूंगा क्या? तो बिजनेस के सब पार्ट में देखता हूं. खरीदी भी मैं देखता हूँ, इसको बेचेगी वो भी मैं देखता हूँ, अकाउंट का जो चीज है वो भी मैं देखता हूँ, कौन से आदमी को रखना है वो भी मैं देखता हूँ, अगर कोई मशीन डालनी है तो वो भी मैं देखता हूँ, अगर मशीन बिगड़ गई तो कैसे ठीक करना वो भी आधा मुझे मालूम. इस तरह से करके करके हम लोग सक्सेसफुल बन गए. तो अभी तो हम लोग समझते हैं कि हमारी सक्सेस का राज क्या है. हमारी सक्सेस का राज है कि अपने धंधे की हर चीज हमको मालूम होनी चाहिए. और आज हर घर में प्रॉब्लम यह है, बच्चे लोग फॉरेन पढ़ के आते हैं, फॉरेन में सिखाते हैं भाई आपको डेलीगेशन करना चाहिए. वो आके फादर को बोलते थे आप क्यों सब कुछ करते, आप डेलीगेट करो. फादर बोलते अरे ये सब छोड़, अगर अपने को सब मालूम नहीं है खुद मरे बिना ऊपर नहीं जा सकते. ये हमारा पहले का नियम और अभी तक उल्टा हो गया. अगर आप 10,000 रुपए फैक्ट्री चालू करते हो आप कौन सी फैक्ट्री में जाओगे? आप कहां कहां पे पहुंचोगे? अगर आपका तेल का धंधा था, आपने आईटी का धंधा चालू किया, कर सकते हैं क्या? हमारे पुराने ख्यालों के हिसाब से नहीं कर सकते हैं. लेकिन अजीज मेहंदी ने विप्रो में करके दिखाया और वो इंडिया के रिचेस्ट आदमी में से एक बन गया. जो धंधा हमने किया उसमें से धंधा कैसे करना वो हम लोग सीखे हैं. वो धंधा भी कोई दूसरा भी होगा. These dynamics of family businesses have changed so much. मेरा एक फेवरेट स्टोरी है. अभी जो लोगों ने वो मेरा स्टोरी पहले सुन लिया है, यूट्यूब पे देख लिया है, वो हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं सुने हैं उनके लिए अच्छा. मैं किसी को बता रहा था कि मेरी बेटी आज 12 साल की है और जब 2 साल की थी तभी से उसकी एक रोज डिमांड रहती थी कि आई हैव टू टेल अ स्टोरी. तो 2 साल से 10 साल तक की 8 साल रोज उसे स्टोरी कहना पड़ता था. और जितनी मैंने स्टोरी बताई वो पता चलते गया कि ये स्टोरी हम लोग बच्चे को क्यों बोलते हैं, ये स्टोरी तो सब बड़े को अप्लाई होती है. देखिए उसमें तो एक स्टोरी है, इसको बोलते हैं कछुआ और खरगोश. खरगोश ही बोलते ना, आप रेडी स्टोरी आपको मालूम होगा. रेस लगी, कछुआ जीत गया. 95 का जमाना था, चीज हो गई. अभी कुछ साल पहले 2005 में खरगोश वापस पहुंचा. उसने बोला कछुआ को कि चलो रेस लगाते हैं. कछुआ बोला कि
स्टोरी बताई और स्टोरी पे हम लोगों ने गौर किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि वी वर वेरी कॉम्प्लेसेंट, ज्यादा संतुष्ट बन गए थे। तो हमने डिसाइड किया नाउ नो मोर कॉम्प्लेसेंस। जब फास्ट लोग फोकस हो जाते हैं ना, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का जमाना गया, अभी जमाना है फास्ट एंड फोकस। हमारे पास एक रुपए का धंधा नहीं है, 100 करोड़ का धंधा करने में कितना टाइम बचता है? जब कौन से तरीके के धंधे कर सकते हैं, ये चीज बेचो, ट्रेडिंग करो, या कपड़ा बनाओ, या जूट बनाओ, या क्या कर सकते हैं? तो देखिए एक लड़के ने कैसे धंधा चालू किया। वो छोटा था, छोटा मतलब 14-15 साल का, अपने फादर के साथ में कभी कोई कॉन्फ्रेंस थी वहां चला गया। 5-स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस है, सब वो राउंड टेबल है, और राउंड टेबल पे एक बाउल में कैंडीज रखी है, पेपरमिंट रखी है। अभी बच्चा सोच रहा है ये तो सब बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ पे कैंडी कौन खाएगा? तो उसने सोचा जब ब्रेक होता है तो मैं हर टेबल पे जाके एक कैंडी उठा लूंगा। रेडी, ब्रेक हुआ, टेबल पे जाकर कोई भी टेबल पे कैंडी है ही नहीं, सब जगह पे खत्म। तो उसने पूछा एक अंकल को, अंकल यहाँ पे आप कैंडी नहीं रखते थे क्या? कैंडी तो रखी थी लेकिन हम सबने खा लिया। अरे आप इतने बड़े बड़े लोग कैंडी खाते हो? क्यों नहीं खा लेते? तो बताए अगर आप कैंडी खाते हो तो लॉलीपॉप क्यों नहीं खाते? तो बोलते देखो भाई कैंडी तो क्या हमने छुपा के मुंह में डाल दिया, किसी को पता नहीं चाहिए, लॉलीपॉप है ना घुमाना पड़ता है। अभी ये लड़का सोचा कि इन लोगों का एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि लॉलीपॉप घुमाए बिना। लड़के ने कुछ बनाया, देखिए मैं बताता हूँ क्या बनाया। ये इसने बना दिया बैटरी ऑपरेटेड लॉलीपॉप। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मोटर है, आपने लॉलीपॉप डाल दिया, मोटर चालू किया, लॉलीपॉप घूमना चालू, मुंह पे रखो, खाली हैंडल पकड़ लो, लॉलीपॉप घूम जाए। अच्छा चला, नया आइडिया था, अमेरिका में बेचा, हर बच्चे ने एक बार ले लिया, अभी क्या? अभी दूसरी बार तो नहीं कर सकते, सबने एक एक ले लिया, और ये इसका क्रेज था, क्रेज चला गया। अभी सवाल ये आ रहा है कि पहले तो ऐसी चीज बना के भी बेच सकते, और अभी आ गया नया जमाना, अभी के टाइम में कैसे ये धंधा करते हैं? तो एक साल तो जल्दी माल बेच दिया, सब हो गया। अभी बात करते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं, तो आ गए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट। मैनेजमेंट जो साइंस है, ऐसा कहा जाता है कि पिछले सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन अगर हो तो मैनेजमेंट साइंस है, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वे और उसमें से कैसे जूस निकालना। तो मैनेजमेंट लोगों ने बात चालू की, भैया आप क्या कर सकते हो? तो बोले देखिए हमारे पास में बहुत अच्छे मोल्ड है, चाइना में सप्लायर है, बना के दे देता है, अगर किसी को भी ऐसा चीज हम बना के दे सकते हैं, लेकिन बैटरी ऑपरेटेड डॉलर को तो कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि कोई भी चीज अगर हैंड हेल्ड कर सकते हैं तो ये है, इसके अंदर छोटी मोटर होनी चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड चलना चाहिए, काफी टाइम तक मोटर चलनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई भी चीज हो जो हैंड हेल्ड है और घूमने का काम करना है तो और कहां कहां पे कर सकते हैं। पूरा दिमाग आगे चलाया, रिसर्च किया और उन्होंने बना दिया बैटरी ऑपरेटेड टूथब्रश। वही चीज है, छोटी चीज है, मोटर है, बैटरी डाल दिया, बटन दबाया, टूथब्रश घूमना चालू हो गया। लेकिन मैनेजमेंट ये समझता है कहां पे अपने कौन से कदम रखने, पहले सोच लो। बैटरी ऑपरेटेड लॉलीपॉप बना रहे थे, आप किसी से टक्कर नहीं ले रहे थे, लेकिन जब टूथब्रश लेके जाओगे तो अपने बड़े बड़े लोग बाजार में बैठे, आप 10 दुकान तक पहुंचोगे तभी तक तो पूरा मार्केट खा जाएगा। तो ऐसी चीज खुद नहीं कर सकते हो, जो कर सकता है उससे काम करो। इन्होंने ये टूथब्रश का प्रोजेक्ट $150 मिलियन में पेप्सो कंपनी को बेच दिया। $150 मिलियन मतलब आपके हिसाब से 1500 करोड़ रुपया,
उसको आप जाके दोगे तो उसका आपका प्रीमियम देगा। हमारे पास में क्या कैपेसिटी है जो हम उसका बेनिफिट ले सके, और देखना है कि दुनिया भर में किसको इसकी वैल्यू है। तो ये टाइम चेंज हो गया, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो गई, हर चीज के लिए लोग इतना पैसा खर्चा करने लगे। कल मैं यहाँ पे जा रहा था, थिएटर है, वो क्या है, बोल बच्चन पिक्चर लगा, मैंने पूछा कितने रुपए की टिकट होती है, तो बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्स में 400-500 रुपए की टिकट होती है। अभी हम लोग पुराने जमाने के लोग, हम लोग ने 10-15 रुपए की टिकट देखी, तो हमको तो ये 500 रुपए की टिकट बहुत भारी लगती है। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं अपने फादर को लेके जब जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है। फादर अपने टाइम के हैं, मेहनत करके सब करके कहाँ से चालू किया था, कहाँ पहुँचे हैं, स्टूडेंट में काम चालू किया, बीपीओ में काम किया, पहले 20,000 का पगार आ गया, चलिए फैमिली को पार्टी देते, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, अभी बिल आया। वो फादर बहुत एंशियस से देखने के लिए कितने का बिल आया, और लड़का को दिखाना नहीं। फादर ने इधर उधर उधर करके कैसे भी करके देख लिया, बाहर आके लड़का बोलता है डैड एंजॉय द डिनर, डैड बोलते हैं इसमें एंजॉय करने का क्या, दाल रोटी का 12,000 रुपया, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, जो मुझे देने में कहीं और बताऊंगा, व्हाई आर यू वेस्टिंग द मनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, दीस आर द टू जनरेशन फ्रॉम टू डिफरेंट टाइम looking at the world in a very, very different manner, and if they understand each other, then they will become a big, good team. If they don't understand each other, so dono ek dusre se baat karna kam kar denge. This is where, when the world is changing, whether we take advantage or not is up to us. अभी हमारे जो प्रपोजल है, पहली प्रपोजल है देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी एक स्टूडेंट है, उनका फादर और एक डॉटर, एक फैक्ट्री है इंडिया में, बहुत ही छोटा टाउन है, उसको कोटा बोलते हैं, वहां पे उनकी फैक्ट्री है। अभी ये देखिए लड़की अभी अपने बिजनेस के बारे में क्या बताती है। जमीन दे दी, ये लड़के को भेजा तो जा इंडोनेशिया,
पीछे वो जमीन बेच गया, इनका स्टील का धंधा था। वो इंडोनेशिया में गया, उसने देखा क्या भाव में वहां पे स्टील बिक रहा है। जापान से आता था मलाई कमा रहे थे वो। इसने फादर को बोला, फादर हम जो जमीन बेचते नहीं है यहाँ पे स्टील का प्लांट डाल देते। 1977 में प्लांट डाला, 1987 तक मजदूरी करते रहे वहां पे। Husband and wife both struggling very hard, no money to buy a car. There is one car which they are using morning and evening during the daytime, it is a taxi for the company. ये आदमी को 79 में लड़का हुआ, 81 में लड़की हुई। 87 में ख्याल आया कि जब एक लड़का था, एक बच्चा था, one child was there, we were finding it so difficult to manage. We were also amazed. एक बच्चे को इस तरह से लोग बड़ा करते, इतना सारा रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब दो बच्चे हो गए, and then we learn to manage both. So if we can manage two children, why can't we manage two factory? बस ये सवाल आ गया और उन्होंने डिसाइड किया कि फैक्ट्री दूसरी चालू कर दी। फिर दूसरा सवाल, एक फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते मुझे 10 साल निकल गए। अगर यही तरह से करूंगा तो मेरी 40 साल की वर्किंग एज में मैं ज्यादा से ज्यादा 4 फैक्ट्री कर पाऊंगा। तो ये तो नहीं करना, अभी क्या कर सकते। तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला जो आज के जमाने में है, जो पहले के जमाने में नहीं था। फिर भी उन्होंने वो रास्ता लिया 1987 में। आज का रास्ता ये है कि अपने शहर, अपना मार्केट, अपनी कंट्री, ये जो लिमिटेशन है जो खाली अपने दिमाग में है। नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम द मार्केट, वर्ल्ड हैज बिकम द सोर्स, वर्ल्ड हैज बिकम द कैनवास टू ऑपरेट। ट्रिनिडाड में स्टील की एक फैक्ट्री थी, हर महीने $1 million का लॉस कर रहे थे। उन्होंने वहां जाके बोला, ये कंपनी मुझे चलाने को, मैं आपको सामने से हर महीने $1 million दूंगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, कंपनी वाले तो खुश हो गए, हर महीने यहाँ तो $1 million जाता था, उसके बदले सामने से आ रहा है, तैयार है। एक कंडीशन, 5 साल के अंदर मुझे ये कंपनी परचेस करने का पॉसिबिलिटी देनी चाहिए, तैयार। जो वैल्यूएशन होगा उसके हिसाब से दे देंगे। ये आदमी ने कंपनी लिया अपनी एशियन कल्चर, जिसमें किस तरह से जो एक वर्ड है ना जुगाड़, जुगाड़ इज द बेस्ट वर्ड इन द सेंस, कम से कम रिसोर्स में किस तरह से सिचुएशन में से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमारे संजोग के कारण अपने अंदर आ गया। वो कंपनी जब वो लोग चलाते थे $1 million पर डे का लॉस, पर मंथ का लॉस था, जब इन्होंने चलाना चालू कर दिया $5 million पर मंथ की इनकम चालू हो गई। 1 million लेते गए, हाथ में पैसा बचता गया, 5 साल में कंपनी एक्वायर कर दी, लेकिन अभी सक्सेस फॉर्मूला मिल गई, सीख कंपनी को टेक ओवर करो, टर्न अराउंड करो। ये आदमी का नाम आपने सुना होगा, लक्ष्मी मित्तल, हु टर्न्स आउट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन ब्रिटेन टुडे। काम क्या करते हैं, जो कंपनी बीमार है वो लेते हैं, अपने यहाँ के आदमियों को लेके जाते हैं जिनको मालूम है किस तरह से कंपनी को टर्न अराउंड करना, और उससे उनकी वैल्यू बिल्ड करते हैं। आज जब उन्होंने आर्सेलर कंपनी एक्वायर की विच वॉज डबल देयर साइज, तभी आर्सेलर वाले का एक एजेंडा था, ये फैमिली बिजनेस वाले ये हमको नहीं चाहिए। तो आर्सेलर वाले ने बहुत टक्कर ली, पर मिनट 5 करोड़ रुपया लॉयर को फीस देते थे, एक बाजू मित्तल एक बाजू आर्सेलर। हंड्रेड ऑफ क्रोर्स वर पेड फॉर लीगल फीस सो दैट मित्तल कैन नॉट टेक ओवर आर्सेलर। आर्सेलर का एक ही ऑब्जेक्शन, ये फैमिली बिजनेस है, ये अपने बेटे को आगे करेगा। और देखिए, जब उनका एग्रीमेंट साइन होता था उन्होंने कंडीशन रखी कि खाली लक्ष्मी मित्तल स्टेज पे आएगा, आर्सेलर का आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने है और साइन होगी। लक्ष्मी मित्तल ने एग्रीमेंट साइन करते करते अपनी पेन गिरा दी, फिर बोला, आदित्य जस्ट कम एंड गिव मी योर पेन। आदित्य आया पेन देने के लिए, उसको बोला यहाँ खड़ा है। पूरी फोटोग्राफ थी। जब उनको पूछा गया कि आपने तो ये सब किया, क्या आपका बेटा आपके रास्ते पे चलेगा, तो उन्होंने बोला, मेरा बेटा मेरे रास्ते पे चलेगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं उसके रास्ते पे चलूंगा, बिकॉज ही इज द टुमारोज मैन। और जो डायनेमिक्स से वो काम कर सकता है वो मैंने किया। नाउ दिस इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू फैमिलीज।
एक जगह पे आर्टिफिटी होगा, अगर दो में से एक भी फादर सन हस्बैंड वाइफ जो भी है जिनको दिमाग चलाना ही नहीं आता है, तो कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। या तो दिमाग चलाना आता है लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो आर्गुमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर अपने घर के लोग वी वांट देम टू बिकम स्ट्रांग, वी वांट देम टू बिकम इंडिपेंडेंट, वी वांट देम टू बी ऑन देयर ओन फीट, देन वी मस्ट एनकरेज देम टू थिंक, एंड इफ दे एक्सप्रेस देन देयर विल बी डिफरेंट व्यूज, एंड इफ डिफरेंट व्यूज कम टुगेदर इज अ गुड थिंग, इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। फैमिली बिजनेसेस में कंफ्लिक्ट होती है, कौन से जगह पे कंफ्लिक्ट नहीं होती? दो व्यूज होते हैं, कंफ्लिक्ट होनी चाहिए, और कंफ्लिक्ट इज अ गुड थिंग। सो विद दिस थिंग, अगर दो जनरेशन जो पहले का टाइम था अभी का टाइम था उसका अगर एडवांटेज लेते हैं तो थिंग बिकम वेरी डिफरेंट। अपने बिजनेस इतने पीछे क्यों और वेस्ट के बिजनेस इतने आगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड एन एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंजन पहले उन्होंने बनाया। किसी ने दूसरे बोला कि स्टीम से चाय बन सकती है, तो हमने भी पहले किया था, लेकिन ठीक है भाई स्टीम से चाय बन सकती है वो हमने देखा था, लेकिन स्टीम से इंजन चल सकता है वो उन्होंने बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एडवांटेज उनको मिला, पहली मशीन गन का एडवांटेज उनको मिला। इन्होंने जो कॉलोनाइजेशन किया वो कैसे किया? अपने यहाँ पे आए, अफ्रीका में गए, स्टैंड के ऊपर मशीन गन लगाया और सामने अपने लोग थे घोड़े पे हाथ में तलवार लेके अटैक करके आते हैं, मशीन गन टिक 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 सबको सुला दिया और उन्होंने जीत लिया। तो 200 इयर्स दे प्रिवेल ऑन द वर्ल्ड एंड ऑल सेड एंड डन इट हैज इट्स ओन इफेक्ट ऑन अस। तो दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट। देन वी हैड अ पार्ट ऑफ इट, जो भी वहां पे रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी वो हमारे यहां 1980s and 90s की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया एंड पाकिस्तान इज द सेकंड इन मशीनरी शिप टॉप फ्रॉम यूके एंड यूरोप। नई चीज हमें पता ही नहीं चल रही, उनके पास में थी और उसके लिए वो इतना तगड़ा मार्जिन लेते थे 300% मार्जिन। कोई चॉइस नहीं, लेना है तो उनसे लो, बाकी हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं। ये जो माहौल था उसमें उनका एडवांटेज था, रिलेटिव डिसएडवांटेज। Now the whole thing has turned upside down and now is the time for our advantage. और ऐसी जब चीज होती है ना तो क्या होता है, इसके लिए एक वर्ड इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। जब खेलने के तरीके से ना वो चेंज हो गया तो कुछ बातें अलग होती है। जब खरगोश और कछुआ जमीन के ऊपर रेस लगाते हैं तो खरगोश जरूर जीतेगा, लेकिन अगर रास्ते में बीच में एक नदी आ जाएगी तो फिर वहां पे खरगोश को रुकना पड़ेगा, कछुआ अपने स्पीड से आएगा, पास होके चला जाएगा। एक बैर होते हैं और क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ और बैर को क्या बोलते हैं? रीच है, तो रीच बोलते हैं आप। अगर ये दोनों की टक्कर होती है, पानी के अंदर होती है तो मगरमच्छ जीतता है, जमीन पे होती है तो बैर जीतते हैं। जमाना टक्कर कहां पे ले रहे हैं उसका था, अभी तक टक्कर उनके हाथ में थी, अभी टक्कर हम लोगों के हाथ में। और जब ये रूल चेंज होता है ना तो क्या होता है, इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। और एक फ्रांस के प्रोफेसर है, उन्होंने ये थोड़ा टॉक दिया है, तो मैं जब थोड़ा बोलना कम करना चाहता हूँ ना तो मैं उनके प्रोफेसर को काम में लगा देता हूँ, तो मैं उनकी बात बताता हूँ। Watchmaking.
कौन सा देश घड़ी बनाने में बहुत आगे था, तो इनवेरिएबली स्विट्जरलैंड। तो पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड की घड़ी आती थी और वो उसको घड़ी मानी जाती थी। पूरी स्विट्जरलैंड के लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग घड़ी बनाने में लगे थे। ये जो बता रहे हैं स्विट्जरलैंड में चल रहे हैं, और वो बता रहे कि उस टाइम घड़ी बनाने में स्विट्जरलैंड बहुत आगे था। लेकिन जब रूल चेंज हुआ तो क्या हुआ? Expert estimations, more than 80% of profits. Their market share had plummeted below 10%. And in the ensuing 2 years, they had to release 50,000 of their 65,000 watch workers. 10 साल पहले उनका market share था 85%. और 85,000 लोग उस industry में काम कर रहे थे। 10 साल के बाद में 85% से उनका market share आ गया 10%. और 85,000 में से 65,000 आदमियों को उनको निकाल लेना पड़ा। ऐसा क्या हो गया इंडस्ट्री में? That is the point. Japan, in 1968, they had virtually no market share. How could the Swiss, who commanded the watchmaking industry for the entire 20th century, who were known for excellence and innovation in their products, be so rapidly destroyed? Well, the answer is painfully simple. They were put back to zero by a paradigm shift. Many of you are wearing that paradigm shift on your wrists right now. The quartz movement watch. Think about it. Totally electronic. 1,000 times more accurate than the mechanical watches it replaced. Battery powered. Amazingly versatile. It deserves to be the new paradigm of timekeeping. It's such a brilliant idea. Wouldn't you like to know who invented this marvelous watch? Some of you know the answer, but those of you who don't will be surprised. The quartz watch was invented by the Swiss themselves, right here in Neuchâtel at the research laboratories. Yet when the researchers presented this idea to the Swiss watch manufacturers in 1967, it was rejected. After all, it didn't have any bearings, it didn't have any gears, it didn't even have a mainspring, it couldn't possibly be the future of watches. So confident were the manufacturers in that conclusion that they didn't even protect the idea. And so later that year, their researchers displayed the watch to the world at the annual Watch Congress. Texas Instruments of America and Seiko Japan walked past, took one look, and the rest is history. Now, why didn't the Swiss appreciate this wonderful invention that their own people had created? It's the power of paradigms again. They were blinded by the success of their old paradigm and all their investments in it. And when confronted with a profoundly new and different way to continue their success into the future, they rejected it because it didn't fit the rules they were already so good at. Please keep in mind that this is a story not just about the Swiss. It's a story about anyone, any organization, any nation who assumes what has been successful in the past must continue to be successful in the future. Let me remind you once again, when a paradigm shifts, everyone goes back to zero. Your past guarantees nothing in the future if the rules change. Not even the best watchmakers in the world could stop time. In fact, if you're not careful, your successful past will block your vision to the future. And that is why you must develop an openness to new ideas, a willingness to explore different ways of doing things. Because only through that kind of tolerance can you keep open your doors to the future. And so they did not do it, and Japan did it, and Japan was in the future. तो जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जो काम करने का नया रूल होता है, तो उसका उनको बोलते हैं एवरीवन बिकम्स इक्वल। जो उनको एडवांटेज था वो एडवांटेज चला गया। यूरोप, अमेरिका, जापान को जो एडवांटेज था वो चला गया। हम लोगों को जो डिसएडवांटेज था वो भी चला गया। विच वी वर बिहाइंड द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी, टुडे वी आर एट पार विद द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी। जब नई टेक्नोलॉजी आती नहीं थी, आज हम कुछ भी कर सकते। Because of this, our companies are best placed to take advantage of the opportunity. अब किस तरह की opportunity? Earlier our local market was market. एक आदमी paper cake बनाता है। Paper cake बनाने में क्या business है? एक छोटा सा machine है, एक wire rod है, वो ऐसे
फिर आपने ऐसा क्या किया? तो बोलते हैं कि हम लोग बहुत तकदीर वाले हैं कि हमारे यहाँ कोई भी चीज का लोकल मार्केटिंग नहीं। तो पेपर क्लिप बनाने वाले के पास में चार सेल्समैन है, एक अमेरिका, एक यूरोप, एक फार ईस्ट और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसका टर्नओवर है 100 करोड़। जब हमको हमारी नजर इधर थी तो हमें इतना ही दिखता था, जब नजर इधर होगी तो हमें बहुत कुछ दिखेगा। एंड टुडे द वर्ल्ड इज अ प्लेस टू वर्क, टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस फैंटास्टिक पॉसिबल। तो एक पूरी दुनिया को डिपेंडेंस चालू हुआ, और दूसरा भी जो आईटी ने ऐसा कमाल कर दिया कि बहुत अनथिंकेबल की किस तरह से काम कर, आप कहीं पर भी बैठ के कहीं से भी काम कर सकते। तो ये दोनों चीजों के कारण आज सवाल ऐसा है कि हम लोगों को अपने देश में ही काम करना चाहिए था, किसने बोला? चाइना से इंपोर्ट करके हम लोग ब्राजील नहीं बेच सकते क्या? ये भी तो धंधा है। करेंसी में पावर नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग चाइना से लेके हम लोग यूरोप में बेच सकते हैं, यूरोप में कंपनी एक्वायर कर सकते हैं। अभी जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई यूरोप में कंपनी एक्वायर करनी है, तो हम लोग पुराने जमाने के हैं, हमारे दिमाग में तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। हम लोगों ने तो ऐसा सोचा है कि यूरोप वाले आके हमारी कंपनी एक्वायर कर सकते हैं, हम जाके यूरोप की कंपनी कैसे एक्वायर करें? 7 साल पहले इंडिया की एक कंपनी है वीडियो कॉन, उसने थॉमसन कलर ट्यूब करके अमेरिकन कंपनी है उसका कलर पिक्चर ट्यूब बिजनेस एक्वायर किया, बहुत पैसा लगा हुआ विदाउट गिविंग अ सिंगल। जब हम बोलते हैं भाई कंपनी एक्वायर करनी मतलब बहुत पैसा लगता होगा, और यही अपने दिमाग में, लेकिन नए जमाने में काम करने के तरीके बदल गए, और ये नए तरीके में धंधा चालू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए आपको। ये हमारी भारत कोशियर की कंपनी है, उसने लंदन में कंपनी एक्वायर की विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। हमारे एक स्टूडेंट है, मैं सब चीज अभी नहीं बता देता हूँ, थोड़ा आपके लिए और रखता हूँ, यूट्यूब पे मेरे नाम पर टाइप करोगे एक टॉक है, उसमें एग्जांपल है इंडिया का, आगरा एक छोटे टाउन में चश्मे का काज बनाने का डाइंग बिजनेस कर रहे थे, लंदन में कंपनी एक्वायर की 1 लाख पाउंड यानी 80 लाख रुपये में लंदन में कंपनी एक्वायर की, एक साल में 3 करोड़ कमा लिया उसमें से, दूसरे साल ही जर्मनी में एक्वायर की, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक्वायर की, और अभी लंदन में दूसरी कंपनी एक्वायर की। अभी ये जब अपनी नज़र गई ना बाहर, तो जो ताकत हमारे में है यूरोप अमेरिका में नहीं है। Our companies are the best place to take advantage. हम लोगों में भूख है। एक हिरन भाग रहा था, उसके पीछे एक शेर भाग रहा था। बहुत लंबी रेस चली, आफ्टर सम टाइम शेर ने छोड़ दिया। किसी ने पूछा, अरे भाई तुम इतना तेज भागते हो, हिरन पकड़ लेते ना? तो वो मुमकिन नहीं था, वो अपनी जान के लिए भाग रहा था, मैं अपने भूख के लिए भाग रहा था। जब आदमी जान के लिए भागता है ना, तो फिर उससे टक्कर लेना ही नहीं। हम लोग जब यूरोप में धंधा करने जाते हैं तो हम भूखे हैं, वो लोग खा पी के बैठे हैं, पूरा अगस्त महीने उनको वेकेशन चाहिए, हफ्ते के 35 घंटा काम करेंगे। उनको किसी ने बताया आप जिनसे कॉम्पीट कर रहे हो वो दिन का 35 घंटा काम कर। वहां के लोगों में फायर इन द बेली नहीं है, 300% मार्जिन पे धंधा किया था, 30% पे धंधा करना पड़ता है, रो रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस में आना नहीं, 1 लाख बिजनेसेस आर ऑन सेल, हर महीने 10,000 कंपनी वहां पे बैंकरप्ट हो रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारे लोग जाके वहां पे कंपनी को आकर, ये चीज पहले नहीं थी, अभी के टाइम में आई, और हम लोगों को ये समझना है कि अभी के टाइम में ये क्या बदला और किस तरह से काम कर सकते। और एक स्टूडेंट है, हमारे सब स्टूडेंट बिजनेस फैमिली वाले, और हम लोग तो बोलते हैं कि जो बिजनेस फैमिली में जिसने जन्म लिया वो तकदीर वाला आदमी, तकदीर वाला आदमी इसलिए क्योंकि 90% ऑफ द लर्निंग ऑफ लाइफ तो घर में ही ऐसे देखते देखते सीख जाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, अगर गिरे तो रोड पे नहीं आ जाएंगे, घर वाले संभाल नहीं करते। और कई चीज ऐसी होती है जो खाली बिजनेस में अपने बेटे को सिखाते, बाकी दुनिया वाले समझती कुछ और है, घर के अंदर कुछ और चीजें, वो खाली फादर अपने सन को सिखा सकता है। तो ये हमारा स्टूडेंट है, काफी धंधा सीखा, फादर का छोटा है।
क्यों आके मुझे बोल रहा है सर मुझे होटल बनाना है। अभी क्या है इंडिया में तो पूरा बिजनेस बढ़ रहा है, सब लोगों को ऑल इंडिया जाना पड़ेगा, सब ट्रैवलिंग करेंगे, सबको सेल्समैन को भेजना पड़ेगा, मैं चेन ऑफ होटल बनाता हूँ। चेन ऑफ होटल यानी कितनी? 100 होटल्स। वेरी गुड। कितना पैसा है तुम्हारे पास में? कुछ भी कोई बात नहीं, इस तरह नहीं करते हैं और उनसे दूसरी बात नहीं छोड़ दिया उसको। ठीक है भाई तुक्के लगाते हो, होगा कोई तुक्का। 2 साल के बाद में लड़का मुझे वापस मिल रहा है, मैंने बोला क्या चल रहा है तुम्हारा? सर 15 होटल हो गई दिसंबर तक में, 15 दूसरी हो गई। अभी बताइए 15 होटल उसने खड़ा कर दिया और उसके पास में पैसा तो था नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसा सिखाया जाता है कि जो भी कुछ करना है उसके लिए हमारी पैसा हमारा नॉलेज हमारी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं। रिसोर्स एग्जिस्ट आउटसाइड, काम करने वाले लोग एयर है, पैसा लगाने वाले कुछ और है, आइडिया लाने वाला कुछ और है, आपस टीम को इकट्ठा कर दो चालू हो जाएगा। दूसरी बार मौका मिलेगा मैं आपको उसका बिजनेस मॉडल बताऊंगा, आप जब वो बिजनेस मॉडल देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो हम भी कर सकते हैं। ये एक शेरलॉक होम्स करके ऑथर उसकी आदि थी, किस तरह का धंधा करते हैं मैं आपको एक दूसरा स्टोरी दिखाता हूं। मैनेजर कर दिए क्या? मीटिंग क्या है? स्ट्रेटेजी रिव्यू,
में इंटरेस्ट पड़ेगा, उस तरह से प्लान करके उन्होंने बिजनेस चालू किया। इनका टर्नओवर था 1 करोड़, तभी स्टेपल्स वाले उनके पास में आए और बोले कि हमारे साथ में काम करना है, आप हमारा हमको आपकी कंपनी के 50% शेयर दे दो और आप दोनों उसके को चीफ एग्जीक्यूटिव बनो। आपकी कंपनी का टर्नओवर 4 साल में 800 करोड़ होना चाहिए, 4 साल के बाद में हम पूरी कंपनी एक्वायर कर लेंगे, जो वैल्यू होगी आपको पूरा पैसा देंगे। दोनों की वेल्थ आज की तारीख में 100 करोड़ है 4 साल के अंदर। सवाल ये था कि क्या वैल्यू कहां पे लगती है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसके ऊपर काम करना। दिस इज वॉट एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। कई लोग बोलते हैं ये बड़े बड़े बिजनेस हो गए, वो तो कभी मैनेजमेंट के लिए नहीं गए थे, वो तो कभी स्कूल नहीं गए थे, मतलब बड़ी कॉलेज पढ़ने नहीं गए, फिर भी तो वो धंधे में सक्सेसफुल थे, जरूर थे, लेकिन वो चीज जो उन्होंने 30 साल में सीखी, वो सीखने के लिए मुझे और 30 साल लगाना है या फिर 3 साल में लगाना है। हर 5 साल में पूरी दुनिया बदलती है। आज के टाइम में 10 ईयर इज अ बिग पीरियड इन विच लोग कहां से काम पहुंच जाते हैं। 10 ईयर्स हो गए। किशोर बियानी करके इंडिया का एक बिजनेसमैन है, इसने बिग बाजार करके पूरी चेन चालू कर दी। 1997 में उसने पहली दुकान खोली, 2005 में इंडिया का वो रिटेल किंग माना जाता है। दिस इज द वे थिंग्स आर गोइंग टुडे। नाउ इन ऑल दिस फैमिली बिजनेसेस हैव द बिगेस्ट एडवांटेज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। विद इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज our companies, Indian, Pakistani, now this are part of the world, have the greatest opportunity. We are hungry, we are sharp, we know business, we can control cost, and $1 is a big, big, big amount of rupees. So we have a big advantage. But within this, it is only family businesses which can take advantage. Other big companies cannot take advantage because there is so much uncertainty. Family businesses will invest today for benefit tomorrow. They need first plan. आज पैसा मिलने वाला है तो करो। So ये जो